हमें बस इतना है कि हमें रिटर्न में मिल जाए, क्योंकि बहुत से लोग आ रहे हैं, अपने व्यूज रख रहे हैं, बोल के चले जाते हैं। एक्शन लिया जाता तो ड्रेनेज सिस्टम साफ होता। उस दिन 15 मिनट की बारिश हुई थी या नदियां बन गई थी। हमारा मानना है कि हम न्यूट्रल हमेशा वर्क करें और न्यूट्रल निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच हो। हम लोग यहाँ पे लगातार इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। अब सरकार को तो जागरूक होना चाहिए। अब जैसे कि वो ट्रांसफर हुआ है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए, हाई कोर्ट से भी ऑर्डर आया है, तो हमें बस इतना है कि हमें रिटर्न में मिल जाए, क्योंकि बहुत से लोग आ रहे हैं, अपने व्यूज रख रहे हैं, बोल के चले जाते हैं। बट बोल के जाना हाउ कैन बी ट्रस्ट, क्योंकि इतना सब होता है, हम कहाँ तक ट्रस्ट करें सिस्टम पे, क्योंकि सिस्टम पे ही ट्रस्ट करके बैठे थे और इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। जब तक इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं होती है, कोई स्टेप नहीं लिया जाता है। अभी हम लोग इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है, लेकिन कितना क्या हो रहा है इसका हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो वी नीड क्लैरिटी, वी वॉन्ट क्लैरिटी, हमें क्लैरिटी चाहिए, हमें रिटर्न में सबको चाहिए। क्या क्या रेगुलेशन लगाया जा रहा है, कौन कौन अरेस्ट हो रहा है? सिर्फ एक दो को अरेस्ट करा गया है, एक दो लोगों को तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना इसके लिए। इसके लिए तो बहुत, मतलब इतना सिस्टम होता है, तो उसके ऊपर क्या एविडेंस लिया जा रहा है, कैसे कैसे प्रोसीडिंग्स क्या है इसकी, हमें उसके ऊपर रिटर्न में चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं। हमें इसके बारे में कुछ भी प्रॉपरली नहीं बताया गया है। जो आता है एक दो बातें वही सेम रिपीट होती हैं कि एक्शन लिया जा रहा है, लिया जा रहा है, ये हो रहा है, लेकिन हमें कुछ भी यहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं दिया जाता है कि कब तक क्या होगा। ना तो हमें कॉम्पनसेशन का कोई कन्फर्मेशन मिला है। गवर्नमेंट ने जैसा बोला है 10 लाख का, वो हमारी डिमांड के तो बिल्कुल भी पास तक नहीं है। 10 लाख से तो क्या ही होता है, 10 लाख तो बच्चा यहाँ आने आने में ही खर्च कर देता है। और बाकी जो राउस से कॉम्पनसेशन का आया है, वो उस दिन उनके कोई मैसेंजर आए थे, तो उन्होंने 25 लाख तुरंत प्रोवाइड करने का बोला था, और 25 लाख बोला था कि वो जब जेल से उन्हें निकल जाएंगे उसके बाद कहीं प्रोवाइड करेंगे। वो भी 6 मंथ का टर्म दे दिया था कि मे बी 6 मंथ लग जाए। तो 50 लाख तो मतलब हमने डिमांड रखा था एटलीस्ट 3 करोड़, तो मिनिमम मैक्सिमम 5 करोड़, और वो 50 लाख बोल रहे हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट में, एक तरह से फीस दे रहे हैं, मतलब चंदा दे रहे हैं एटलीस्ट। ये क्या है, ये 25 लाख हम अभी दे देंगे और 25 लाख देंगे हम बाद में, तो वी डोंट वांट इट। और जो हमारी कुछ यहाँ की बेसिक डिमांड्स हैं, एटलीस्ट हमारी इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिस्टम की कि हमारी बेसिक डिमांड्स तो देखें। हम लोग यहाँ पे रात में रहते हैं, हमें वॉशरूम की नीड होती है, फिर हम लोग कहाँ भटकते हैं कि वॉशरूम के लिए किधर जाएं। एटलीस्ट हमारे लिए कुछ वॉशरूम की फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल कराई जाएं। रात भर स्टूडेंट्स रहते हैं, दिन से रात तक रहते हैं, कोई वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई यहाँ पे कारपेट तक अरेंजमेंट नहीं करता है। तो ये सब हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, कम से कम ये तो हम लोगों को मिलनी चाहिए। तो ये हमारी कुछ बेसिक डिमांड्स हैं जो एटलीस्ट सिस्टम को पूरा करना चाहिए अभी के लिए। तो एक्शन लिया जाता तो ड्रेनेज सिस्टम साफ होता। उस दिन 15 मिनट की बारिश हुई थी या नदियाँ बन गई थी, और इतना मेहनत से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे अपना टाइम दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट इंडिया अलायंस को आम आदमी पार्टी के हमारे राजा जी जो सीएम है हमारे केजरीवाल जी, जो जेल में अभी कुछ उनको हुआ भी नहीं है, उसकी उन्हें बहुत फिक्र है। प्रोटेस्ट करने बैठ गया पूरा इंडिया अलायंस। यहाँ हमारे 3 भाई मर चुके हैं, उसके बाद हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा प्रोटेस्ट बंद कराने की कोशिश की जा रही है। आप यहाँ लो, अभी बैरिकेड हटाने की कोशिश होगी, सब कुछ होगा। तो मतलब हम अपना प्रोटेस्ट जारी ना करें, इसलिए वो नया प्रोटेस्ट खोल के बैठ गए कि ये प्रोटेस्ट दब जाए। वो प्रोटेस्ट किस बात का है, जिस जो आदमी गुनहगार है वो उसकी सजा काट रहा है, उसके लिए प्रोटेस्ट चालू कर दिया। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे, गुनहगार भी नहीं थे, वो मर भी गए, उसके प्रोटेस्ट को बंद कराने की कोशिश करी जा रही है। सारी पार्टी यहाँ पे अपना पॉलिटिसाइज करना चाहती है। म्युनिसिपल कमिश्नर अभी तक अकाउंटेबिलिटी दे नहीं पाया ड्रेनेज सिस्टम की। ड्रेनेज सिस्टम वैसा का वैसा है, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? आप ये बस अपने चैनल के थ्रू पूछे और हमारी बात पहुंचा दे, और हमारा प्रोटेस्ट बस ऐसे ही चलने दे। इसको मतलब अलग अलग जगह से अपने नए मुद्दे उठा के इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करी जा रही है। आप वो चाहें तो वो ना होने दे। बस आश्वासन क्या दिया जी, उन्होंने तो बोला एक दिन भी लग सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है, आश्वासन मैं दे नहीं सकता। तो ये तो कोई बात होती नहीं, वो तो बस कमिटीज बना दी, ये सब कुछ मतलब टाइम बाउंडेशन नहीं दी ना। एक मतलब होता है कि करना ही है अकाउंटेबिलिटी, कोई आए तो भाई यहाँ एक साइन करके दे दो हमें कि हम इतने टाइम में, चलो एक महीना कह रहे हो तो एक महीने के अंदर साइन करके बता दो कि हाँ एक महीने अपना प्रूफ दे दो। बस आते हैं, अपनी नेतागिरी करते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं।
बस प्रोटेस्ट दबाने की कोशिश हो रही है। हमारा मानना है कि हम न्यूट्रल हमेशा वर्क करें और न्यूट्रल निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच हो। हम किसी भी पार्टी को यहाँ पे इनवाइट नहीं कर रहे हैं। जो नेता आ रहे हैं वो हमारा सपोर्ट करें, जो हमारे एंगल हैं उसी एंगल के अकॉर्डिंग चलें। हम किसी को विपक्ष और पक्ष हम बनाना नहीं चाह रहे हैं। इसको सिंपल पाई नहीं हो जाती है या उधर से ट्रांसपेरेंसी की नहीं आश्वासन दिया जाता है तब तक हम बैठे रहें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।